ये सब आप जो देख रहे हैं स्क्रीन पे देख रहा है आपको, जो पर्सन आपको देख रहे हैं, दे आर ऑल पीपल हु हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड इन क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। ओके चलो शुरू करते हैं। सो क्लासिफिकेशन का प्रोसेस शुरू हुआ इन 1808, कहां पर? 1808, इनिशिएटेड बाय द केमिस्ट, इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। ओके, ही गेव अस एन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। ओके, इन्होंने ये बोला कि अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, एवरी एटम हैज मास। एटॉमिक मास इज द फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एवरी एटम। इसका मतलब क्या है? व्हाट डज दिस मीन? लेट अस अंडरस्टैंड दिस स्टेटमेंट। ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। ओके, हमें अभी समझना है कि डाल्टन ने बोला क्या है। डाल्टन सेज दैट किसी भी एटम का फंडामेंटल बेसिक चीज क्या पता होना चाहिए आपको? उसका एटॉमिक मास पता होना चाहिए। क्या? एटॉमिक मास। अभी आप इन 17, ओके 10 साल बाद, इन 1817 जर्मन साइंटिस्ट नेम्ड एज जोहान वुल्फगैंग डॉब्रेनर, वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर हिज नेम एंड द ईयर। ओके, इन 1817 जोहान वुल्फगैंग डॉब्रेनर, ओके, ही स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन प्रोसेस। सबसे पहले एक लॉजिकल तरीका इन्होंने दिया क्लासिफिकेशन का। क्या बताया इन्होंने? लेट्स सी। ओके, सजेस्टेड दैट प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एटॉमिक मास। मतलब एलिमेंट का एटॉमिक मास जो होता है उससे उसके प्रॉपर्टीज मिलते जुलते हैं, ठीक है, मतलब डिपेंड करता है एटॉमिक मास पे। अभी इसको समझते हैं अपन, ठीक है। व्हाट डज दिस मीन? ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच। एक मिनट, फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज जोहान डाल्टन, फर्स्ट साइंटिस्ट वॉज जॉन डाल्टन। ओके, इन्होंने एटॉमिक मास का कंसेप्ट हमें दिया। ओके, सेकेंड साइंटिस्ट क्लासिफिकेशन शुरू किया, उसका नाम क्या है? जोहान वुल्फगैंग डॉब्रेनर। ही सेड दैट एटॉमिक मास और एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मिलते हैं। अभी एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री एलिमेंट्स ईच हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। इन्होंने क्या किया, जो भी एलिमेंट्स उस टाइम पे थे, उस टाइम पे डॉब्रेनर के टाइम पे 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे। कितने? 30 एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके, सो ही मेड ग्रुप्स ऑफ थ्री थ्री एलिमेंट्स, मतलब ऐसे एलिमेंट्स जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज मैच करते हैं। अभी केमिकल प्रॉपर्टी होता क्या, ध्यान से सुनो। किसी भी एलिमेंट का दो प्रॉपर्टीज होता है, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब वो एलिमेंट बाहर से कैसे दिखता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, बाहर से कैसे दिखता है गोल्ड? कौन सा कलर में दिखता है वो, शाइनी है कि नहीं, ठीक है, ये सारे चीजें गोल्ड के फिजिकल प्रॉपर्टीज है। वो हार्ड है, वो सॉफ्ट है, ब्रिटल है, ये सारे उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज है। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होता है? वो गोल्ड अपने आजू बाजू के एलिमेंट्स के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, ठीक है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट करता है, तो ये सारे चीजें उसके केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझा? फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, तो यहां पर डॉब्रेनर ने क्या किया, ही कंबाइंड थ्री एलिमेंट्स टूगेदर जिनके केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। समझा इनका कंसेप्ट, इनका लॉजिक? तने, आई एम गेटिंग योर मैसेज, सो डोंट वरी। क्लियर? सो डॉब्रेनर ने क्या किया, तीन तीन एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज उसको एक साथ कंबाइन किया, उसका एक ग्रुप बनाया, ठीक है। एंड वो जो थ्री थ्री का ग्रुप था, उस ग्रुप को वो बुलाता था ट्रायड। ही कॉल्ड दोज ग्रुप्स एज ट्रायड्स। समझा इतना? ओके, तो याद रखना, ट्रायड्स इज अ इंपॉर्टेंट वर्ड। ट्रायड मतलब ग्रुप ऑफ थ्री एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर? अच्छा, यहां पर डॉब्रेनर का कहानी खत्म नहीं होता है, इसके बाद शुरू होता है डॉब्रेनर का कहानी, ठीक है। ये तो ट्रेलर था। चलो अभी और क्या बोलना चाहते हैं डॉब्रेनर। ओके, मैंने ग्रुप तो बना लिया सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स का। वन मोर थिंग दैट इज स्टेटेड, जो हम ये टेबल के हिसाब से पढ़ेंगे, तो यहां पर उसके जो ग्रुप्स थे उसको आप स्क्रीन पे देख सकते हो। सबसे पहला ग्रुप था उसका लिथियम, Na मतलब सोडियम, K मतलब पोटेशियम। ओके, ये सब सिंबल्स है एलिमेंट्स के। ओके, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये पहला उनका ग्रुप था, ठीक है। इसमें इन्होंने एक और लॉजिक लाया, वो लॉजिक ये था कि अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास, ध्यान से सुनो, अगर मैं लिथियम का एटॉमिक मास, विच इज द फर्स्ट एलिमेंट, और पोटेशियम के लास्ट एलिमेंट का एटॉमिक मास, ये दोनों को ऐड करता हूं और उसको 2 से डिवाइड करता हूं, तो मुझे बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा। इधर तक समझा कुछ या आंसर गया? नहीं समझा? ओके, एग्जांपल देखो, स्क्रीन पे देखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ओके, स्क्रीन पे देखो,
यहाँ पर लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम है हमारे पास, ओके तो लिथियम का एटॉमिक मास आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ओके एंड ये रहा पोटेशियम का एटॉमिक मास, फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट, ये दोनों का एटॉमिक मास को ऐड करना है, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीच वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास मिलेगा। चलो देखते हैं, ओके सो ये रहा, दोनों को मैंने ऐड किया, उसको 2 से डिवाइड किया एंड मुझे आंसर आया 23, एंड ये जो 23 है ये सोडियम का एटॉमिक मास है, समझा? ठीक है, ये दूसरा लॉजिक था डॉब्रेनर का। फर्स्ट लॉजिक वॉज केमिकली सिमिलर एलिमेंट्स को तीन तीन के ग्रुप में डालो, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या है, एटॉमिक मास ऑफ फर्स्ट एलिमेंट एड इट विद एटॉमिक मास ऑफ द लास्ट एलिमेंट, डिवाइड इट बाई 2, यू शुड गेट द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट, समझा? ये डॉब्रेनर का लॉ था, डॉब्रेनर का रूल था। क्लियर? नो डाउट स्टिल हियर? किसी को भी डाउट है तो अभी पूछ लो, क्योंकि हम सेकंड एग्जांपल देखने वाले, ओके सो लेट्स टेक सेकंड एग्जांपल। चलो सेकंड एग्जांपल आप लोग सॉल्व कर सकते हैं क्या, देखता हूँ, ओके सो मैं दोनों आपको एटॉमिक मास नंबर दे देता हूँ, आप लोग कैलकुलेट करो। हमारे पास कैल्शियम है, स्ट्रॉन्टियम है एंड बेरियम है, ओके सो मैंने कैल्शियम और बेरियम का एटॉमिक मास आपको दे दिया है, चलो कैलकुलेट करो स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास क्या होगा, कैसे करोगे? कैल्शियम का एटॉमिक मास प्लस बेरियम का एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय 2, यू शुड गेट स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास। बी क्विक एंड लेट मी नो इन द चैट सेक्शन व्हाट इज योर आंसर। कैल्सी को यूज नहीं करेगा क्योंकि एसएससी में आपको कैल्सी अलाउड नहीं है। डू इट जेन्यूनली ताकि आपको समझ में आए कंसेप्ट, ओके 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 ठीक है। बहुत सारे लोग का आंसर आया है, आपका आंसर होना चाहिए 88.7, ओके इफ यू हैव गॉट 88.7 आपका आंसर राइट है। अभी ये जो 88.7 है ये क्या है, हमारा मिडल एलिमेंट का एटॉमिक मास है, ठीक है। अभी मिडल एलिमेंट क्या था, स्ट्रॉन्टियम था, ओके स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास है 87.6। अरे यार अभी तो गलती हो गया क्योंकि 88.7 आंसर आया बट स्ट्रॉन्टियम का तो एटॉमिक मास नंबर 87.6, ओके तो आप लोग बोलोगे यहाँ पर रूल अप्लाई नहीं हो रहा है, इसीलिए डॉब्रेनर ने स्मार्टली एक वर्ड दिया है उनके रूल में, उन्होंने बोला है कि जो भी आपको आंसर आता है वो अप्रोक्सीमेटली सेम होगा। क्या होगा? अप्रोक्सीमेटली मतलब थोड़ा आगे पीछे आपको आंसर आ सकता है, तो आपको समझ के लेना है, समझा? सो वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज अप्रोक्सीमेटली। तो यहां पर आप लोग 3-4 का आप लोग क्या कर सकते हो, गैप रख सकते हो। लाइक फॉर एग्जाम्पल 87.6 एक्चुअल एटॉमिक मास नंबर है, ओके तो आप लोग आगे पीछे 2 नंबर आगे पीछे कर सकते हो, मतलब ऐसे समझ के ले सकते हो कि ये स्ट्रॉन्टियम का एटॉमिक मास नंबर। क्लियर एवरीवन? ठीक है, अगर वो 5 के नीचे आ जाता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, फर्स्ट केस में देखो मैग्नीशियम कैल्शियम एंड स्ट्रॉन्टियम, ठीक है मैंने दो लास्ट फर्स्ट और लास्ट को ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, आई गॉट द आंसर 55.95, बट कैल्शियम का एटॉमिक मास नंबर क्या है, 40.1, बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है, राइट अराउंड 15 एटॉमिक मास नंबर का डिफरेंस है, सो दिस कैन नॉट बी अ ट्रायड, ये ट्रायड नहीं है, समझ रहे आप लोग को कैसे ट्रायड को आइडेंटिफाई करना, ओके चलो सेकेंड एक एग्जाम्पल देता हूं, आप लोग पता लगाओ ये ट्रायड है कि नहीं। सल्फर एंड टेलोरियम, ये दोनों को ऐड करो, सल्फर और टेलोरियम ये दोनों को ऐड करोगे तो आपको सेंटर वाले एलिमेंट का आपको एटॉमिक मास नंबर मिलेगा, दैट इज टेलोरियम, ऐड इट एंड डिवाइडेड बाय 2, 127.6 प्लस 32.1 एंड इट इज 159.7, राइट 159.7 को 2 से डिवाइड करो एंड लेट मी नो द आंसर।
मिला आंसर सब लोगों को? ओके ओके, अमन का आंसर आया मुझे, रंजीत का आंसर आया है, ओके शुभम का आंसर आया, तनिष्का का आंसर आया, ओके ठीक है। अभी जिनको भी आंसर आया है, ओके दोस पीपल हु हैव गॉट द आंसर, मैं आपको सेलेरियम जो सेंटर एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास नंबर बताता हूं, आप लोग मुझे बताओ कि ये ट्रायड है कि नहीं। ओके तो सेलेरियम का एटॉमिक मास नंबर है 79, तो बताओ वो ट्रायड है कि नहीं जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इज इट अ ट्रायड और नो? देखो आंसर मैच करो, 79 से मिलता जुलता है आंसर, अगर मिलता जुलता है देन योर आंसर इज राइट। ठीक है, आपका आंसर आया होगा 79.8 समथिंग, 79.85 ऐसा कुछ आया होगा। ओके एंड सेलेरियम का जो एटॉमिक मास नंबर है दैट इज 79। क्लियर एवरीवन कैसे ट्रायड्स को आइडेंटिफाई करना है? ओके चलो एक लास्ट वाला मैं आपको होमवर्क दे देता हूं, दैट इज आज का जो पूरा लेक्चर हमारा हो जाएगा 4:30 तक, उसके बाद आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ओके सो वी हैव बेरिलियम एंड कैल्शियम, आपको मैग्नीशियम का एटॉमिक मास नंबर निकालना होगा और पता लगाना है कि ये ट्रायड है कि नहीं। क्लियर, एटॉमिक मास नंबर है इट इज 24.3, ओके सो इट इज अप्रोक्सीमेटली सेम। ओके तो यहां पर मेजर प्रॉब्लम क्या था डोमिनेंस ट्रायड में वो हम देख लेते हैं, सो वील स्टार्ट अ लेक्चर विद दैट। ओके डोमिनेंस ट्रायड में सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक तो ये था कि आप लोग ने यहां पर देखा होगा इट प्लेस विद अप्रोक्सीमेट्स, मतलब यहां पर कुछ चीज एग्जैक्टली हम लोग बोल नहीं रहे हैं, ठीक है, मतलब अप्रोक्सीमेटली होगा, साइंस में ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है, देयर इज नथिंग कॉल्ड एज अप्रोक्सीमेट इन साइंस, एवरीथिंग हैज टू बी प्रूवन एग्जैक्टली। ठीक है, जो भी चीज आप एग्जैक्टली प्रूव करोगे दैट विल बी बिलीव्ड इन साइंस, ओके रिसर्च करके, अप्रोक्सीमेट का कोई वैल्यू नहीं है साइंस में, सबसे पहला रीजन तो ये था। दूसरा बड़ा रीजन ये था कि डोमिनेंस का जो रूल था कि फर्स्ट एटॉमिक मास और लास्ट का एटॉमिक मास दोनों को ऐड करो, टू से डिवाइड करो, आपको सेंटर का एटॉमिक मास आया, ये जो रूल था वो सारे एलिमेंट्स में अप्लाई नहीं हो रहे थे उस टाइम के। उस टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर देयर ड्यूरिंग डोमिनेंस टाइम, याद है सबको? बताओ चैट सेक्शन में। यस सनी राइट, मीत परफेक्ट, तनय राइट, श्री, तनिष्का, नो 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 स्नेहा। डोमिनेंस टाइम में देयर वर 30 एलिमेंट्स इन ऑल, कितने एलिमेंट्स थे, 30 एलिमेंट। उसके बाद अभी करंटली 2021 में अपने पास कितने एलिमेंट्स है, 118 एलिमेंट्स, रिमेंबर 118, 118। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। सो प्रॉब्लम, दो प्रॉब्लम मैंने बताया, सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या था कि अप्रोक्सीमेट था एक तो, दूसरा बड़ा प्रॉब्लम ये था कि उस टाइम पे जो 30 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे वो सब ये रूल फॉलो नहीं कर रहे थे। ओके एंड दैट इज व्हाई डोमिनेंस रूल फेल्ड, ठीक है, उनका जो क्लासिफिकेशन मेथड था वो फेल हो गया एंड उसको रिजेक्ट कर दिया गया। क्लियर एवरीवन, समझा? अभी एक चीज रिजेक्ट हो गया तो किसी और ने और काम किया होगा और बेटर चीज, बेटर वे ऑफ क्लासिफिकेशन पता लगाने की कोशिश किया होगा। सो लेट अस लर्न द फेलियर ऑफ डोमिनेंस ट्रायड, ठीक है, डोमिनेंस का ट्रायड फेल हो गया, रिजेक्ट हो गया। The next attempt to classify element was done by an English scientist known as John Newlands. Okay, इनका logic बहुत ही interesting है, ध्यान से सुनना। Okay, very interesting to understand. Okay, year 1866 में इन्होंने start किया classification. Dobrynner का कभी हुआ था start classification? 1817, ओके, आफ्टर एटॉमिक मास 1807 में पता लगाया गया, 1817 में डोमिनेंस ने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया था, फिर उनका प्रोसेस रिजेक्ट किया गया, उनका क्लासिफिकेशन रिजेक्ट किया गया, देन 1866 में, ओके, जॉन न्यूलैंड स्टार्टेड अगेन क्लासिफाइंग द एलिमेंट्स दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम। ओके नाउ 1817 से 1866 में आ गए, ओके तो अराउंड 50 ईयर्स का गैप है। इस टाइम पीरियड में और एलिमेंट्स डिस्कवर किए गए, डोमिनेंस के टाइम में 30 एलिमेंट्स थे, अभी न्यूलैंड के टाइम पे 56 एलिमेंट्स है, कितने एलिमेंट्स, हाउ मेनी एलिमेंट्स, 56 एलिमेंट्स, ठीक है, सो बाय दिस टाइम 56 एलिमेंट्स वर डिस्कवर्ड। ठीक है, तो अभी डोमिनेंस से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी न्यूलैंड के ऊपर है क्योंकि इन्हें 56 एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना है, तभी तो सिर्फ 30 थे। ओके तो इन्होंने क्या लॉजिक लगाया, इन्होंने क्या
लॉ दिया वो हम देखते हैं. ओके लेट्स अंडरस्टैंड दैट. सो न्यूलैंड स्टेटेड सबसे पहले ओके एटॉमिक मास क्या हमने पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में राइट व्हाट इज एटॉमिक मास ठीक है एंड उसको कैसे डॉब्रेनर ने यूज किया वो भी हमने देखा. बट यहां पर कुछ डिफरेंट हो रहा है. न्यूलैंड अरेंज ऑल द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास फर्स्ट ठीक है. उन्होंने सबसे पहला क्या किया जो भी एटॉमिक मासेस है एलिमेंट्स का उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया. मतलब जैसे आप असेंबली में खड़े होते हो छोटे से बड़ा ठीक है हाइट वाइज खड़े रहते हो बराबर ठीक है. सेम थिंग ही डिड विद द एलिमेंट्स एज वेल. सबसे पहले सबसे छोटा एटॉमिक मास वाला एलिमेंट फिर धीरे 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 ऐसा बढ़ते जाएगा ठीक है. सबसे लास्ट में हाईएस्ट एटॉमिक मास वाला एलिमेंट होगा. सबसे पहला चीज इन्होंने ये किया. सेकंड इंटरेस्टिंग थिंग दैट ही डिड ऑन द स्क्रीन ओके तो उस टाइम पे ये सारे एलिमेंट्स थे तो देख लो आप लोग. डोंट वरी अबाउट द नेम्स ऑफ द एलिमेंट एंड ऑल हम लोग याद करेंगे लास्ट में ये सारी चीजें कैसे याद करना है उसका ट्रिक क्या है वो सारी चीज हम लोग आगे देखेंगे. ओके सो दीज वर ऑल द एलिमेंट्स दैट वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. हाइड्रोजन लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरिन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फरस सल्फर क्लोरिन पोटेशियम एंड कैल्शियम ऑल दीज एलिमेंट्स वर प्रेजेंट एट दैट टाइम. तो ये सारे एलिमेंट्स को उन्हें क्लासीफाई करना था किसको न्यूलैंड्स. ओके सो व्हाट डिड ही डू ही गेव अस अ लॉ ऑफ ऑक्टेव. इनका लॉ का नाम क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव. डॉब्रेनर्स का लॉ का नाम क्या था लॉ ऑफ डॉब्रेनर का लॉ का नाम क्या था लॉ ऑफ याद नहीं है किसी को. यस यस अमन राइट यस तने राइट तनिष का परफेक्ट. लॉ ऑफ ट्रायड्स यस काजल राइट. लॉ ऑफ ट्रायड्स का याद रखना. ओके सो न्यूलैंड का लॉ का नाम क्या था लॉ ऑफ ऑक्टेव. नाउ व्हाट डज ऑक्टेव मीन वर्ड का मतलब समझते हैं ठीक है. ऑक्ट मतलब ऑक्टोपस सुना ऑक्टोपस को ऑक्टोपस क्यों बुलाया जाता है बिकॉज इट हैज 8 legs, right? बराबर, ठीक है? तो ऑक्ट मतलब 8 होता है, ठीक है? So he gave us a law of octave. अभी एक टेबल दिखा दूँ आपको स्क्रीन पे. Okay? So ये टेबल में उन्होंने अपना अपने सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना शुरू किया, okay? And इसको law of octaves क्यों बोला जाता है? Can you see on the screen? सा रे ग म प ध नी स ये सारी चीजें क्या है? What are these things? म्यूजिकल नोट्स कोई यहाँ पर प्रोफेशनली म्यूजिक सीखता है एनीवन ओके ओके ठीक है. ये अपना जो जैसा इंग्लिश में एबीसीडी होता है अल्फाबेट वैसा म्यूजिक में सारे गम प ध नहीं होता है ओके okay? अगर जिसको म्यूजिक का नॉलेज भी नहीं है उनको भी पता होगा ये चीज ओके okay? अभी इसमें समझना है क्या हमें ओके व्हेन वी टॉक अबाउट ऑक्टेव्स यहाँ पर आठ सुर का क्या हो रहा है ग्रुप हो रहा है. आठ सुर कौन से सा रे ग म प ध नी एंड नी के बाद वापस से स रिपीट होता है. वापस से स क्या होता है रिपीट होता है. सो देर आर 8 नोट्स दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. एक्चुअली 7 है. 8 रिपीटिंग नोट कौन सा है मैं आपको बताता हूँ ओके तो स रे ग म प ध नी एंड स इज रिपीटेड ओके बेसिक्स में आप लोग जब पढ़ोगे अगर कोई पढ़ता होगा तो उनको समझता होगा ठीक है. स इज अगेन रिपीटेड इन म्यूजिक ओके. अच्छा उसके ऊपर आपको देख रहा है डो रे मी फा सो ला ओके व्हाट इज दिस ये इंग्लिश नोट्स है ओके जैसे अपना सारे ग म प ध नी है उनका क्या है वेस्टर्नर्स का क्या है डो रे मी फा सो ला ती ओके एंड इनके इसमें क्या रिपीट होता है दो रिपीट होता है वापस से आफ्टर टी. क्लियर एवरीवन ओके तो ये रिपीटेशन का सब समझा तुम लोगों को. 8 नोट्स कौन से हैं ओके चलो अभी स्क्रीन पे ध्यान से देखो ओके एच हाइड्रोजन मेरा फर्स्ट एलिमेंट है. क्या है हाइड्रोजन मेरा फर्स्ट एलिमेंट है ओके इसके बाद अब 8 एलिमेंट कौन सा है मुझे बताओ. हाइड्रोजन के बाद 8 एलिमेंट कौन सा है गिनो एंड लेट मी नो. हाइड्रोजन के बाद 8 एलिमेंट कौन सा है तो लिथियम 1 बेरियम 2 बोरॉन 3 कार्बन 4 5 6 7 8 लिथियम है बाजू में. नहीं 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 हाइड्रोजन से गिनो. हाइड्रोजन 1 2 3 4 5 6 7 8 8th एलिमेंट कौन सा है फ्लोरीन. F क्या है फ्लोरीन है. क्लियर एवरीवन ओके. H के बाद 8th एलिमेंट कौन सा था
एफ फ्लोरिन का। नाउ लिथियम से गिनो, लिथियम से एट एलिमेंट कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ओके। नाउ बेरिलियम से गिनो, एट एलिमेंट इज Mg। अच्छा आपको दिख रहा है ये सबको सेम कलर दिया है, कैनोल सी एल आई एन ए के बी ई एम जी सी ए, इसका मतलब क्या, व्हाट डज दिस मीन? ओके ध्यान से सुनो आप, न्यूलैंड स्टेटेड दैट आफ्टर एवरी एट एलिमेंट द केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड। मतलब हर एट एलिमेंट पे क्या हो रहा है, वो फर्स्ट एलिमेंट का केमिकल प्रॉपर्टी रिप्रेजेंट कर रहा है, जैसा अपना नोट्स में होता है सारे गामा पदा नी स वापस से रिपीट होता है एट टू नोट, बराबर वैसे ही एलिमेंट्स में भी क्या हो रहा था इनके अरेंजमेंट में, जब उसको आप एटॉमिक मास के हिसाब से अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हर एट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ केमिकली मैच कर रहा था। समझा इतना क्लियर? ओके अच्छा आपके दिमाग में अभी सवाल आएगा, सर ये सिर्फ तीन को क्यों कलर किया है सेम, बाकी को क्यों छोड़ दिया? हम आगे देखेंगे, विल अंडरस्टैंड दैट इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे क्यों उसको कलर नहीं किया है। ओके इनफैक्ट यही डीमेरिट है न्यूलैंड्स का, ठीक है कि वो हम आगे देखेंगे क्या डीमेरिट है। ओके तो पहले ये समझ लेते हैं, लिथियम सोडियम पोटेशियम, लिथियम से एट एलिमेंट गिनूंगा सोडियम आएगा, सोडियम एन ए आएगा, एन ए से एट एलिमेंट गिनूंगा तो पोटेशियम के आएगा। ओके तो हर एट एलिमेंट क्या हो रहा है, फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच कर रहा है। अभी मैच कैसे कर रहा है, देखो लिथियम सोडियम और पोटेशियम ये तीनों ऐसे एलिमेंट्स है जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। क्या होते हैं? सॉफ्ट, यू कैन कट इट विद अ नाइफ, इतना सॉफ्ट होता है सोडियम पोटेशियम और लिथियम, ये तीनों एलिमेंट, ठीक है। तो देखो केमिकली उनका कैसे सिमिलर है प्रॉपर्टीज। ओके देन ये तीनों एलिमेंट्स जो है वो वाटर के साथ ऑक्सीजन के साथ बहुत ही विगोरसली रिएक्ट करते हैं, मतलब आग लग जाता है जब वो रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। दे आर ऑल केमिकली सिमिलर, दैट यू कैन सी। ओके देन ऑक्सीजन और सल्फर की बात करते हैं, ये दोनों रूम टेम्परेचर में क्या होते हैं, दे आर गैसियस इन स्टेट, राइट। तो इनका भी प्रॉपर्टी सेम है, राइट right? तो ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ रहे थे आफ्टर एवरी एट एलिमेंट। समझा न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, व्हाट इज न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव? एनी डाउट टिल हियर? ओके चलो इसको आई विल पुट इट इन अ स्टेटमेंट दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एवरी एट एलिमेंट हैड सिमिलर प्रॉपर्टीज टू दोज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है। हर एट एलिमेंट का फर्स्ट एलिमेंट के साथ केमिकल प्रॉपर्टी मैच कर रहा था, क्लियर। अभी सवाल आता है इसमें प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम हियर, फीचर्स क्या थे, व्हाट आर द फीचर्स, पहले देख लेते उसके बाद प्रॉब्लम पे जाते हैं। ओके फीचर वॉज सबसे पहले ही अरेंज्ड इट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, मतलब कुछ तो लॉजिक यूज किया है यहाँ पर। ओके अनलाइक डॉब्रेनर, मूविंग फॉरवर्ड इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट, वो स्टार्टेड इट स्टार्टेड विद द लाइटेस्ट एलिमेंट दैट इज हाइड्रोजन, एंड लास्ट एलिमेंट जो था उसका थोरियम था, ओके विच वॉज द हेवीएस्ट। इसमें टोटल 56 बॉक्सेस थे एंड 7 कॉलम्स और 8 रोज थे, कितने थे 7 कॉलम्स एंड 8 रोज, दैट मेक्स 56 बॉक्सेस। ओके मूविंग फॉरवर्ड ये तीन फीचर्स था, ओके वेरी ऑब्वियस फीचर्स। नाउ लिमिटेशंस, डीमेरिट्स क्या है, क्या प्रॉब्लम है इसमें, ओके ध्यान से सुनना व्हाट आर द प्रॉब्लम्स। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है स्टेट एनी थ्री लिमिटेशंस ऑफ न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव, तो आपको तीन डीमेरिट्स बताना होगा। आपको कुछ डीमेरिट दिख रहा है क्या, कुछ डीमेरिट दिख रहा है इधर, कुछ प्रॉब्लम दिख रहा है यहाँ पर? बहुत ऑब्वियस प्रॉब्लम सर, हाँ ओके अमन ने आंसर दिया है सेंसिबल, दीज आर नॉट एटम्स दीज आर एलिमेंट्स। ओके एलिमेंट्स के अंदर एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स बने होते हैं एटम्स, नहीं नहीं ओके चलो मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है, व्हाट इज द प्रॉब्लम। ओके द प्रॉब्लम वॉज कि ये जो रूल था कि एवरी एट एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट के साथ मैच करता है, उसका केमिकल प्रॉपर्टी मैच करता है, वो सिर्फ कैल्शियम तक अप्लीकेबल था। कहां तक? कैल्शियम तक। आपको दिख रहा है यहाँ पर कैल्शियम तक ही हमारे सेम एलिमेंट थे, कैन यू सी ये सेम है ये सेम है ये सेम है, कैल्शियम तक ही अप्लीकेबल है। बट उसके बाद देखो बी ए ए एल और सी आर अलग है, यहाँ पर देखो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल ओ और एस सेम है बट एफ ई और ओ एस सेम नहीं, क्योंकि एफ ई क्या है मेटल है, आयन क्या है मेटल है, बट ऑक्सीजन और सल्फर क्या है नॉन मेटल है, तो ये कभी सेम हो ही नहीं सकते क्योंकि मेटल और नॉन मेटल अलग होता है, ठीक है। तो ये लॉ पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं था, कहां तक एप्लीकेबल था, सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था।
दूसरा कोई ऑब्वियस चीज आपको दिख रहा है क्या? मैं बताने से पहले, मेरा बताने से पहले ध्यान से देखो, ऑब्जर्व करो, व्हाट इज अनदर ऑब्वियस मिस्टेक हियर, मिस्टेक या फिर प्रॉब्लम हियर, एनीवन? ओके, सम बॉक्सेस आर एम्प्टी, उसके अलावा वो, अच्छा ठीक है, सम बॉक्सेस आर एम्प्टी, क्यों वो बॉक्स एम्प्टी है, एनीवन? ओके, आर्या ने मुझे राइट आंसर दिया है, वेदांगी ने राइट आंसर दिया है, मिसबा ने राइट आंसर दिया है, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट डीमेरिट क्या है मैं आपको बताता हूँ। इफ यू सी, ओके इफ यू सी दिस टेबल, कुछ ऐसे जगह है जहां पर दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में फिट कर दिया है, ओके दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में फिट कर दिया, वी डोंट हैव प्रॉब्लम विद दैट, उसका टेबल है वो कुछ भी कर सकता है, राइट, इट इज हिज चॉइस, ओके, बट उसने कोई रीजन नहीं बताया हमें क्यों मैंने कोबाल्ट और निकल को एक ही टेबल में डाला है, ठीक है, ही डिड नॉट गिव अ रीजन टू अस क्यों मैंने यहाँ पर दो चीज को एक ही टेबल में, एक ही डो या फिर स के अंदर डाला है। यहाँ पर भी देखो, यस पुट टू एलिमेंट्स अंडर वन बॉक्स, तो उसका कोई रीजन उसने बताया नहीं, इसी की वजह से ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम था, ठीक है, क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे से अलग है, कोबाल्ट एंड निकल दोनों का प्रॉपर्टीज अलग है, ठीक है, बट क्यों उसको एक ही बॉक्स में डाला है उसने बताया नहीं, ही डिड नॉट गिव अ रीजन, क्लियर एवरीवन? सबसे बड़ा सेकंड डिमेरिट क्या है? फर्स्ट डिमेरिट क्या था? सिर्फ कैल्शियम तक एप्लीकेबल था, सेकंड डिमेरिट क्या है? ओनली देर आर सम प्लेसेस वेयर टू एलिमेंट्स आर फिटेड इन वन बॉक्स अंडर वन नोट, दैट इज सा, एंड यहाँ पर म के नीचे दो एलिमेंट्स को एक ही बॉक्स में डाल दिया है, क्लियर? एनी डाउट स्टिल हियर? नेक्स्ट, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम, लेट अस सी व्हाट इज द नेक्स्ट प्रॉब्लम, न्यूलैंड, अच्छा ये प्रॉब्लम हमने देख लिया है, नेक्स्ट एक मिनट, ओके नेक्स्ट प्रॉब्लम वाज, अभी जैसे डॉब्रेनर क्लासिफाई करते टाइम देयर वर ओनली 30 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स थे? सिर्फ 30 एलिमेंट्स थे, बट जैसे जैसे आगे टाइम बढ़ा, अभी न्यूलैंड का टाइम आ गया, ओके न्यूलैंड के टाइम पे कितने एलिमेंट्स थे? 50 एलिमेंट्स, कितने? 56 एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स? 56 एलिमेंट्स, ओके इसका मतलब 26 नए एलिमेंट्स फाइंड आउट किए गए थे, राइट, अभी इसका मतलब क्या होता है कि और आगे जाके और एलिमेंट्स आ सकते हैं, राइट, देयर कैन बी फ्यू मोर एलिमेंट्स दैट कैन कम इन फ्यूचर, तो उसका कुछ ब्लैंक स्पेस नहीं था न्यूलैंड के टेबल में, ठीक है, देर वर नो प्रोविजन फॉर फ्यूचर एलिमेंट्स दैट आर गोइंग टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है, जो एलिमेंट्स फ्यूचर में हमें मिल सकते हैं उसको कहां पर डाले, उसका कोई प्रोविजन न्यूलैंड ने दिया नहीं था, इतना समझा सब लोगों को, ये सारे डिमेरिट्स आपको समझे, एनी डाउट स्टिल हियर? ओके, ऑब्वियस डिमेरिट्स है जो आपको टेबल देख के पता चल जाएगा, नो डाउट्स एवरीवन? वट एवर इज योर डाउट टाइप इट इन द चैट सेक्शन सो दैट आई कैन रीड एंड सॉल्व योर डाउट, ओके, सो दिस वॉज न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव, अगेन इसमें बहुत सारे डिमेरिट्स थे, अगेन इट इज गोइंग टू बी फेल्ड, ठीक है, इसको लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, नो वन इज गोइंग टू फॉलो दिस क्लासिफिकेशन एज वेल, एक और फेलियर हो गया, दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गेट अनदर न्यू क्लासिफिकेशन, ओके फ्रॉम अ न्यू पर्सन, हु इज दैट, लेट अस सी दैट, इन द ईयर बिटवीन द ईयर 1869 एंड 1872 अ न्यू साइंटिस्ट केम इन टू द पिक्चर हु स्टार्टेड द क्लासिफिकेशन अगेन, ओके दैट इज रशियन साइंटिस्ट डिमिट्री इवानोविच मेंडलिव, ओके डिमिट्री इवानोविच मेंडलिव, रिमेंबर द नेम एंड द ईयर, ओके एंड सीक्वेंस याद रखना, सबसे पहले जॉन डाल्टन, ही गेव अस एटॉमिक मास, उसके बाद डॉब्रेनर, ही गेव अस लॉ ऑफ ट्रायड्स, उसके बाद न्यूलैंड्स ऑक्टेव, वो सारे गामा का म्यूजिकल नोट वाला लॉ, एंड आफ्टर दैट डिमिट्री इवानोविच मेंडलिव, यू ऑल कैन ऑल्सो राइट हिज नेम एज मेंडलिव, नो इश्यूज, ओके एंड ईयर क्या है? 1869 एंड 1872, इसके बीच में इनका क्लासिफिकेशन का प्रोसेस चालू था, लेट्स मूव फॉरवर्ड, सो व्हाट डज ही वांट टू से, इनको क्या बताना है हमें, ओके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर्स टूवर्ड्स द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, इनको अपना जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, ठीक है, अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हम यूज करते हैं उसका स्टार्ट इन्होंने किया था, उसका जो बेसिक बेसमेंट है वो इन्होंने करके दिया था हमें, ओके हिज नेम इज डिमिट्री इवानोविच मेंडलिव, ओके सो हाउ डिड यू